क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, सर झुका के आपको नमन करता हूँ। और आज आप फिर आज एक बार आपने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम लोग किसी के आगे झुकने और डरने वाले नहीं हैं। ये छठी मैया के सम्मान के लिए, छठी मैया का पूजा और व्रत रखने वाले लोगों के सम्मान के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। और भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हुआ, न सिर्फ दिल्ली वालों के सामने बल्कि पूरे देश के लोगों के सामने, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के सामने, कि किस तरह से महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोगों को मारते हैं भगाते हैं, गुजरात में पूर्वांचल के लोगों को मारते हैं भगाते हैं, आसाम में पूर्वांचल के लोगों को मारते हैं भगाते हैं, और दिल्ली के अंदर छठी मैया की पूजा करने से हमको रोक रहे थे। लेकिन फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, बधाई और सलाम करना चाहूंगा कि आपके संघर्ष के बदौलत आज प्रशासन को झुकना पड़ा, आज भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर यहाँ आज परमिशन की जो कार्रवाई थी उसको पूरी करनी पड़ी, जबकि परमिशन हमारे पास पहले से थी। 4 साल से यहाँ पूजा हो रही थी, परमिशन हमारे पास थी, लेकिन नौटंकी करके, ड्रामा करके कल से लगातार इसको लटकाने का, छठ मैया का घाट तोड़ने का काम भाजपाइयों ने किया। आज छठ मैया के आभूषण चूड़ी को फेंकने का काम भाजपाइयों ने किया। छठी मैया तुम लोगों को देख रही है, तुम्हारे इन पापों का, गुनाहों का अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है भाजपाइयों, छठी मैया तुम्हारा न्याय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक बार बधाई देते हुए आज की सभा को विसर्जित किया जाता है, क्योंकि अब काम शुरू हो गया है। भाई सौरभ भरद्वाज जी, इनको जोरदार तालियां सौरभ के लिए बजाइए, जोरदार तालियां। सौरभ ने आम आदमी पार्टी की जो पहचान थी उसको आज कायम किया, फिर से ये बताया कि हम लोग आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं, हमको कोई डरा धमका के झुका नहीं सकता है। फावड़ा छीनोगे, फावड़ा चलाओगे, हमला करोगे हमारे विधायक के ऊपर, ये सब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एक बार सौरभ को सब लोग उठा लीजिए और जोरदार। मैं एक चीज बात बोलना चाहता हूँ कि आज ये जो कल हमारे साथ हुआ, नहीं, जो कल हमारे साथ हुआ, जो कल हमारे साथ हुआ, मुझे लग रहा है कि ना किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और मैं दिल से अपने सब आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, संगम विहार से, अंबेडकर नगर से, देवली से, चिराग दिल्ली से, मॉडल टाउन से, करावल नगर से, गोंडा से, चंगपुरा से, कालकाजी से, मुस्तफाबाद से, देखिए मुल्ला जी हमारे बीच में है, मुस्तफाबाद से, पूर्वांचल से, पवाना से, त्रिलोकपुरी से, सारे के सारे भाई हमारे यहाँ पे आए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही संजय जी को ये पता चला कि छठ घाट नहीं बना जा रहा और छठ घाट को तोड़ा गया है, जैसे ही संजय भाई को पता चला, उन्होंने मेरा ट्वीट देखा, थोड़ा सा देर हमें इसलिए हो गई, कोई बात नहीं उतार दो, थोड़ी सी देर हमारे इसको हो गई क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं चलता, यहाँ पे मोबाइल का व्हाट्सएप का सिग्नल काफी लो होता है। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, कार में मेरा सिग्नल चलना शुरू हुआ और संजय भाई ने हमारा ट्वीट देखा और संजय भाई का फोन आया, संजीव झा का फोन आया, हमारे अन्य विधायकों का फोन आया। और मैं आपको ये बात पूरे दिल से कह सकता हूँ और ये बात मैं पूरी सिंसेरिटी से कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर पूर्वांचलियों की कोई शान आन बान है तो वो है संजय सिंह। पूरी विधानसभा की तरफ से और अपने दिल से मैं संजय भाई के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। संजय पहले, संजय पहले, शेरा पूर्वांचल संजय सिंह, शेरा पूर्वांचल संजय सिंह, शेरा पूर्वांचल संजय सिंह। हमारे
साथी संजय भगत जी और पूर्वांचल शक्ति की सारी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस जीत में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है साथियों।